अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस चीज को भी देख लेंगे। ठीक है, माशाल्लाह, चलें जी। लेकिन देखो, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करवाने के वक्त मुझे असाइनमेंट्स देखने को नहीं मिलती और मैं आपकी प्रोग्रेस जो है आगे सबमिट नहीं करवा सकता। अब एनएफटीपी के जितने भी, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, जितने भी जो है अब काफी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपना जो भी इनका प्लान है स्ट्रिक्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी बेहतरी है कि जितना आप अच्छे से काम करोगे हमारे सेंटर का भी नाम होगा। चलें जी सर, क्रिएटिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। चलें जी, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बात पता है क्या है, मैं आपको कुछ ऐसा करते हैं कि आज काम भी करते हैं, इस मौजू पे भी बात करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले चलता हूं वेब की तरफ, और वेब की तरफ मैं कुछ गिटार, ठीक है, गिटार पीएनजी, यहां इसको लिख लेता हूं क्लासिक अकूस्टिक गिटार। अच्छा जी, क्रिएटिविटी के ऊपर बात आ रही है तो क्रिएटिविटी के कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए जी, इसको मैं पोस्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं दोबारा कैनवस की तरफ और मैं इसको सिंपली पेस्ट कर, ये हमारे तफाक से हमारी पोस्ट के ऊपर भी फिट बैठ रहे हैं। मे बी मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, रिमूव, और ये ऑलमोस्ट सबको पता है। ठीक है, इसमें चले शेडो भी चला गया, कोई मसला नहीं है। अदर देन अब हमारे पास ये एक सादा पीएनजी है। अब देखो, पता है क्या, क्रिएटिविटी कैसे आती है? क्रिएटिविटी ऐसे नहीं आती कि बस हम बंदा एक टाइम कोई प्रोजेक्ट आए और वो सोचना शुरू हो जाए और उसके पास एकदम क्रिएटिविटी आ जाए, इस तरह नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे रेयर केस होंगे जिनमें लोगों को मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिन लोगों को पता होता है पहले ही कि यार मुझे अगर मैंने स्केच बनाना है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, वो ड्राइंग्स इस तरह बनाते हैं जैसे उन्होंने कहीं सीखा हो पहले से, और इतना मास्टर हो जाते हैं उस चीज में कि सबको, इवन अपने जो टीचर्स हैं उनको हैरान कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आर्ट है, आर्ट में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इंस्पिरेशन, गैदरिंग। आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हो कि एक ही काम के आप 100 तरीके ढूंढ लेते हो। ठीक है, लाइक एक बंदा पेंटिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पेंटिंग क्रिएट करते हैं, कुछ ब्रशेस यूज करते हैं, कुछ पेंसिल आर्ट बनाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, जौक शौक को या अपनी चीज को अपील करने के लिए, आपने देखा होगा ग्रेफिटी आर्ट आ गया, जिसमें भाई उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया दीवारों के ऊपर। फिर उसके अलावा एक और आर्ट आ गया जिसमें उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी बॉटल्स के साथ उन्होंने वो एक आर्ट बना लिया। तो क्रिएटिविटी इसी तरह से आती है जब आपके पास इंस्पिरेशन हो। भाई इंस्पिरेशन कहाँ से लें? चलें जी, मिसाल के तौर पे एक हम मिसाल लेते हैं एक म्यूजिशियन की। ठीक है, आप में से कोई गिटार विटार पियानो शियानो किसी को बजाने आता है, ताकि उसको ज्यादा इस चीज का एहसास होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम अगर आप में से किसी का थोड़ा सा भी इसमें है एक्सपीरियंस, या कोई दोस्त हो, एनीवन, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो किस तरह क्रिएटिव बनते हैं। स्पेशली दुनिया में ये कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव लोग हैं वो म्यूजिशियंस हैं। ठीक है, और वो म्यूजिशियंस ही क्यों है,
इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन आप में से मुझे बताएं कि कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, या खुद म्यूजिक के शौकीन, म्यूजिक को ही ले लेते हैं, ठीक है, गिटार को भी छोड़ो, किसी को म्यूजिक नहीं पसंद, इत्तफाक की बात है। वैसे पहले शौक था गिटार प्ले करने का, लेकिन अब नहीं है। वो क्यों नहीं है? तीन बंदों को बस। सर म्यूजिक पसंद है लेकिन लोग नहीं जानते, सुनते हैं सब क्लासिक। चले जेनर बता दे, जॉनरे जिसको कहते हैं, कौन से टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक बस सुनते हैं, ये बोरिंग आंसर है। क्लासिक, ओके, पॉप, पॉप, ठीक है, क्लासिक, आई लव मेलोडियस, सैड, ओ खुदा, और सैड में लाइक मेरे ख्याल में इसको हम कहते हैं क्लासिक ही कहते हैं, फोक म्यूजिक, फोक मुझे भी अच्छा लगता है। सूफी, सूफी कौन सुनता है? भाई क्लासिक वाले बहुत हैं माशाल्लाह, क्लासिक का मुझे बहुत शौक है और बड़े शौक से सुनता हूँ। अच्छा जी, फरमाइशी, तो मैं सुनती हूँ सूफी म्यूजिक, सूफी तसव्वुफ, ओहो, ये मतलब ये जौक वाले बंदे आ रहे हैं आप। क्लासिक, क्लासिक, चलें जी। मेरे ख्याल में भी कोई 5-10 नहीं बताया, बाकी 15 जो है वो बिल्कुल ही नहीं सुनते। और आल टाइप्स अगर सुनने में अच्छा लगे, ठीक है जी, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस अच्छा लगे, ठीक है, सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मतलब ज्यादा कोई शौक नहीं है। लाइक कभी कोई ट्रैवलिंग में स्पेशली बंदा हो तो वो मेरी तरह हेडफोन्स हो, लाइक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, अगर अपनी गाड़ी में हो, तो स्पेशली जब तक म्यूजिक ना हो तब तक समझे कि ड्राइव ही नहीं होती, डिपेंड्स ऑन यू मूड। हाँ ये है बिल्कुल, स्पेशली सुबह को बंदा कोई सूफी कलाम ही सुन लेता है, दिन के टाइम पे थोड़ा सा ठीक है, रात में फिर भी थोड़ी जो अपबीट है वो चल जाती है। शौक काफी है आजकल, आगा परवीन और संगे माह का सॉन्ग अच्छा लग रहा है। ओके जी, मेरे ख्याल में आगा परवीन का झूम होगा, ठीक है, और संगे माह ये पता नहीं क्या है, ठीक है जी। चलो जी, देखो अब क्या है कि जब जब भी म्यूजिशियंस, पता है क्या, सबसे ज्यादा अच्छा आतिफ असलम, म्यूजिशियंस समझें कि अलग तबीयत वाले लोग होते हैं, बिल्कुल अलग तबीयत वाले लोग, ये दुनिया से हमेशा हमेशा, आप अगर आर्टिस्ट को ऐसे को जानते हो तो ये हमेशा दुनिया से कोशिश करते हैं कि डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है, और जब भी ये धुन बजाते हैं तो उसी धुन में रह जाते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब किस्म की इमोशंस तारी हो रही होती हैं। शायद आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अभी आप जो भी सॉन्ग सुनो, अगर वीडियो में सुन रहे हो, तो पीछे बैठे गिटारिस्ट, ड्रमर, और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट जो भी प्ले कर रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर आप एक क्या एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, अजीब अजीब से वो चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, वो मुस्तकिल एक ही इमोशन में नहीं रहते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा रियाज करते हैं, रियाज का मकसद है प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो इतने ज्यादा इस चीज में मास्टर हो जाते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा, दोबारा कहूं कि क्रिएटिव जो लोग कहा जाता है वो म्यूजिशियंस को कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वैसे आजकल तो जिस तरह जुल्फी के ऊपर भी केस हो गया कि भाई इन्होंने धुन चोरी की है, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन म्यूजिशियंस वैसे ही क्रिएटिव हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, कहीं से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, नेचर से भी कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसका मैं आपको बताऊं ग्राफिक डिजाइनर किस तरह इंस्पिरेशन ले, ठीक है। लाइक मैंने एक ये म्यूजिशियन म्यूजिक का हवाला दिया, आज इसके ऊपर एक और नया काम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूं जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है जी।
जी सबसे पहले हमारे पास ये है, ठीक है। अब मैं, ये है behance.net, behance.net। ये अगर रोजाना सुबह को जिस तरह बंदा पानी पीता है, ब्रश करता है, नहाता है, इसी तरह से अगर रोजाना सुबह में आपने 10 से 15 मिनट सिर्फ इसको आपने दे दिए, तो यकीन जानिए सारा दिन आपको फील होगा कि मैंने आज कुछ नया किया, ठीक है। आपको यहाँ से एक ट्रेंड मिलेगा, एक से एक ट्रेंड मिलेगा और एक से एक आर्ट मिलेगा, जिसको देख के आपको वाकई जो माइंड में सिग्नल जा रहे होंगे कि भाई आज कुछ नया करना है, ठीक है। आज कुछ देखा है तो आज इंस्पायर होना है, इंस्पिरेशन का देना है, ठीक है जी। लेट्स से मैं कुछ लिख लेता हूँ, गिटार, लाइक गिटार ही लिख लेते हैं और कुछ नहीं लिखते। चलें जी, गिटार के ऊपर मुझे कुछ चीजें इस तरह से मिली हैं, ठीक है। और देखें, कुछ देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। मेरा आज कुछ बनाने को कुछ और इरादा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह की इलस्ट्रेशन है, वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, कुछ और इस तरह से मिल जाएंगे, किस किस तरह के गिटार्स हैं, कुछ इस तरह के आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, और ये आर्ट इस तरह का भी मिल जाएगा आपको, लोगो मिल जाएंगे। ये देखिए लोगो कुछ इस तरह के आपको मिल रहे हैं, ये कुछ इनको कहते हैं मॉकअप्स या 3D मॉडल, ये 3D प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको देखना बहुत बेहद जरूरी है। लाइक मैं आज चाह रहा हूं कि एक चीज हम सीखे जिसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक, ठीक है जी। चलें जी, इन्फोग्राफिक भी मेरे पास आ गया। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। अब लाइक मैंने कंट्रोल के साथ एक टैब में गया, न्यू में, एक और टैब में गए, एक और टैब में गए और एक और टैब में गए, दैट्स इट, ठीक है। अब रिव्यू करते हैं टैब्स को कि इन टैब्स में है क्या। दोबारा एक सेकंड मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले एक तो ये इन्फोग्राफिक मिला है, और इस इन्फोग्राफिक को हम क्या कह सकते हैं, टेम्पलेट। लॉरम इप्सम आ रहा है, इसका मकसद ये है कि ये कह रहा है कि भाई डाउनलोड विथ ट्रायल, ठीक है जी। और वैसे ये जो एक्सटेंडेड लाइसेंस सेल कर रहे हैं वो कितने का है, ऑलमोस्ट $80 का, ठीक है। सिर्फ ये इन्फोग्राफिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, आपको एक्सटेंडेड लाइसेंस साथ में होगा, और उसके अलावा आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के जिस तरह हमारे फ्रीलांसिंग के सेशंस स्टार्ट होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ये क्या बला है, हम इसको सेल किस तरह कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, बताएंगे, आएंगे इस बात पे भी, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपली यहाँ पे आओ, ठीक है, और रोजाना के बेसिस पे एक और इन्फोग्राफिक इधर ही मुझे मिल रहा है, ठीक है। एडोब स्टॉक के ऊपर ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक गिटार है शायद, और ये उसका एक इन्फोग्राफिक। लेट्स से एक और आगे आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ गिटार, ये होता है इन्फोग्राफिक। भाई इन्फोग्राफिक का किसी को पता है, मुझे बता दे इन्फोग्राफिक क्या है। ग्राफिक तो सुना है, इन्फोग्राफिक क्या है। बताएं प्लीज, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कीजिए। आज वैसे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत कम है, समझे कि आपसे 20 स्टूडेंट आज नहीं आए। इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राफिक, इंफो ग्राफिक वो जहां इंफो शेयर करते थ्रू किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करना, जिसमें इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है जी। अब आंसर आप सबका ठीक है, सही है, और ग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। एक है ग्राफिक और एक है इंफोग्राफिक। बस इसको ये कि ऐसा ग्राफिक जो आपको किसी चीज के बाद किसी चीज की मालूमात दे रहा हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह का आज एक इंफोग्राफिक बनाएं, और लेट्स से अगर गिटार के ऊपर बनाते हैं तो भी कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे जो हमें एक हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम यही अपने गिटार के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक है,
और ये हमारे पास अकुस्टिक है, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पार्ट्स कुछ ज्यादा हैं, लाइक ये और ये, और जो ये जो इसमें नहीं होती, ठीक है, ब्रिज वगैरह, बॉडी वगैरह सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। चलें जी हम चलते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, अगर हो जाए कॉपी करते हैं। वैसे ये वाटर मार्क वाला है, वाटर मार्क पे मुझसे किसने क्वेश्चन किया था वाटर मार्क भी हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो भी आज कोशिश करेंगे कि हम अप्लाई कर लें, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सिंपली फ्रंट है एंड बैक है। अब मुझे आप बताओ कि इसको मैं किस तरह प्रेजेंट करूं कि ये मैं दोनों साइड्स के अंदर लेफ्ट और राइट, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं, या ऐसा करते हैं इसको मैं लेफ्ट पे लेकर आता हूं और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं, या मैं इसको राइट पे कर देता हूँ सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। अच्छा जी, जो सेंटर वाले हजरात हैं उनको एक बात बता दें कि देखो लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास ये लाइन आ गई, ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन रख रहा हूँ कम से कम कोई चार बहुत हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते हैं 3 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है, फिल खत्म कर देते हैं, सिर्फ लाइन हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, नजर आ रही है ये लाइन आपको ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है, या मैं दोबारा लाइन को प्रेस करता हूं और यहाँ पे इसको हम कुछ और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है, देखो मिसाल के तौर पे मुझे अगर यहाँ पे फ्रेट्स कहते हैं इनको, ये जो स्टेप्स बने हुए ना, ये 1 2 3 ये फ्रेट्स कहलाती हैं, ठीक है, ये फ्रेट है, सही है, और इस फ्रेट को अगर मैं कहीं पे भी इन्फो देना चाहूं तो ये जो हमारी लाइन है ये हमें करनी पड़ेगी या तो पहले कट और उसके बाद इसको करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि ये ओवरलैप होते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि या तो मैं इसको लेफ्ट पे रखूं, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट पे, ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सकें किसी, क्योंकि बैक पे मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी चीज की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, मे बी मैं यहाँ पे दे सकता हूं तो छोटी सी लाइन लगा के, यही लाइन ली और मैं यहाँ पे आया, इसको और छोटा किया लाइक यहाँ पे, और इसको यहां से लेके यहाँ पे कुछ बैक लिख लिया, बैक या बॉडी वगैरह जो हो, तो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन आ गई। ठीक है जी, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले एक इंफोग्राफिक बनाते हैं, और मुझे ऐसा करो, ऐसा करते हैं कि लाइक ये अप्लाई हो गया, ठीक है जी, अब मुझे आसानी है, ये कह रहे हैं कि भाई राइट पे कर दो क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो वैसे ही लेफ्ट पे होता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, वो जो हमने ग्राफिक पहले ही कॉपी किया था उसको हम आज पेस्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप में से अगर कोई, मेरे ख्याल में सारी मोबाइल पे मोस्ट ऑफ देम जो भी हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन ये वाली लिख कर दो, ठीक है, कौन सी लिख कर दो, हेड, ये नट, फ्रेट, फ्रेट बोर्ड, ठीक है, मार्कर्स, और ये पिक गार्ड, बॉडी, ब्रिज और ये वाले,
और ये सैडली, ठीक है। और नीचे से हम लिख लेते हैं अस्पताल। सर ये कॉपी नहीं कर सकते क्या? ये कैसे करेंगे भाई, ये इमेज है, कैसे करोगे? या तो इसको हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे हो तो मोबाइल में गूगल लेंस होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली गूगल लेंस के थ्रू ये इमेज खोलोगे, सारा टेक्स्ट आपको एडिटिव वर्जन में आ जाएगा, ठीक है। फिर वहीं से सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर देना, लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट उसका मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल का लेंस मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। वहीं से कर लो, जो भी कर लो, लेकिन ये मुझे आप दे दो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे सबसे पहले भाई अच्छा, ठीक है। आप में से जो भी करे मुझे बता दे, या मैं आपको यही फाइल शेयर कर दू। ये मैं यहाँ पे लेकर आया, या मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ? नहीं हो रहा पेस्ट, यहाँ पे नहीं हो रहा, मुझे सेव करना पड़ेगा। ये मुझे सेव करने की जरूरत है, आप खुद ही देख लो। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जी। लिंक के ऊपर क्लिक करो, फिर जो आप में से करना चाहे वो करके दे दे, ठीक है। वन नोट है, गूगल लेंस यूज कर रहे हो आपको यू, मुझे सिर्फ गर्ज ये है कि मेरे पास टेक्स्ट हो, ठीक है जी। सबसे पहले मैं हेडिंग के ऊपर आ रहा हूँ। हेडर वही कहाँ होना चाहिए, लाइक मैं लिखता हूँ क्लासिक गिटार, ठीक है। क्लासिक गिटार मैंने लिखा, और इसका जो हमने टेक्स्ट साइज है वो बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट को मैं कुछ रंग बिरंगी कर देता हूँ, लाइक ये आ गया मेरे पास। मैं इसको सबसे पहले मुझे पॉइंट में करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, वो बता दो, जल्दी से बता दो, ताकि मैं वो कर उसी तरह से इसको अप्लाई करूं। ये तो बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है जी। क्लासिक गिटार कन्वर्ट टू पॉइंट, ओके जी, थैंक यू। ओके जी, हमने कन्वर्ट टू पॉइंट किया है, ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, या इसको हम आगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट मुझे लंबा चौड़ा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं हम इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, फिलहाल के तौर पे इसको इस तरह हम रख देते हैं, मे बी इसको। और जब तक कोई यहाँ पे करे तो हम कलर ग्रेडिंग तब तक ढूंढ लेते हैं, ताकि जो भी अभी टेक्स्ट कॉपी कर रहा है उसको ये मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मैं चलता हूं दोबारा कलर को के ऊपर, चलें जी, एक्सेप्ट कुकीज और एक्सप्लोर ट्रेंड्स, चलें जी। वैसे ही यहाँ पे कलर कुछ हाइब्रिड टाइप के होने चाहिए, और फन फन होना चाहिए, लाइक एक टैग लिख लेता हूँ और उनमें से मेरे पास ये आ जाता है, और म्यूजिक लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से मेरे पास आए, लेकिन म्यूजिक को नहीं ले रहा, फन म्यूजिक दोनों। और इनमें से पिस्टल विंटेज ब्राइट ब्राइट होने चाहिए, ठीक है, और जी ब्राइट फन ये दोनों साथ में नहीं आ रहे, चलें जी इन्हीं को देख लेते हैं। और भाई टैक्स खुद ही ये दे रहा है, तो इनमें से देख लेते हैं। पार्टी, ठीक है। ओ भाई ये एक्चुअली ये दो दो कलर जो है ना, इसमें मसला कर रहा है, ठीक है, इसमें ही कुछ मसला है। ये कोई एक टैग एक साथ ले रहा है, लाइक स्टाइल्स में जाते हैं तो ब्राइट ब्राइट में ही देख लेते हैं, ठीक है। ब्राइट में मेरे पास ये पैलेट है अभी, यहां तक ज्यादा करेंगे तो और मसला होगा, फिर भी देख लेता हूँ मैं भी अपनी तरफ से। अगर आपको कोई दिखे तो बता देना कौन सी है, और आप बताओगे कैसे, मुझे ये बता देना कि उसके ऊपर इतने लाइक्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा बचकाना लग रही है, किड्स की लग रही है ना, और मेरे ख्याल में फन ठीक था, एक सेकेंड, फन ठीक है। चलें जी, मेरे पास एक ये भी है यहाँ पे, ये भी मुझे अच्छी लग रही है, ये भी ठीक है, ये भी पैलेट चल जाएगी। और देखें भाई,
ये भी अच्छी है भाई, ये अच्छी लगी मुझे, ये पर्सनली ये पसंद आ रही है नंबर, इसमें जिसपे 8 लाइक है अभी बता दो ठीक है। ओके जी ये भी ठीक है 4। ओके ओके ये भी अच्छा है ठीक है, ये भी अच्छा है ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां से मैं सिंपली स्निपिंग टूल SNIPPING टूल और स्निपिंग टूल को मैं ऑन कर रहा हूँ ठीक है। स्निपिंग टूल से मैं ये एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला ठीक है, ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ सीधा फोटोशॉप के ऊपर ठीक है। कंट्रोल भी ये मेरे पास यहाँ पे, एक पैलेट मेरे पास यहाँ पे आ गए ठीक है, एक पैलेट हम यहाँ पे रखते हैं और वहां पे जाके फोटोशॉप में डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सी बेहतर पैलेट है। एक के ऊपर यहाँ पे कौन सी थी, ये पैलेट थी। मैं दोबारा स्निपिंग टूल ऑन कर रहा हूँ, न्यू, न्यू करने के बाद यहाँ पे आए, कॉपी किया इसको एंड देन पेस्ट, मेरे पास एक और यहाँ पे पैलेट आ गई। अब एक तीसरी तीसरी पैलेट भी देख लेते हैं, किसी का कमेंट है, ये कैसे कर रहे हैं। ये स्निपिंग टूल होता है ना विंडोज में, आप विंडोज की की प्रेस करके स्निपिंग लिखेंगे तो आ जाएगा ठीक है, सिंपल है। विंडोज का बटन एस स्पेलिंग टाइप करें और इंटर, बस आ गया। और विंडोज 11 में तो यहाँ नीचे आपको टास्क बार में ऑप्शन भी बना रहा होता है ठीक है, लिख लें आपको समझ में आ जाएगा एक दफा कि कहां से आ रहा है ठीक है। और उसमें मैं फाइल सेव नहीं कर रहा, डायरेक्ट वहीं से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं ठीक है। ओके जी, उसके बाद मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, मेरे पास ऑलमोस्ट 3 पैलेट्स यहाँ पे आ गई ठीक है। अच्छा जी ओके, मैं दोबारा कमेंट्स देख रहा हूँ, चलें जी, वेरी गुड भाई वेरी गुड। चलें जी, थैंक यू जीएम, वेरी फास्ट क्विकली इन्होंने कर ली। और अब क्या करते हैं ठीक है जी, मुझे ये बताओ इन तीनों में से मुझे कौन सी पैलेट लेनी चाहिए ठीक है, जल्दी से बता दो। वैसे तो मुझे अभी गिटार भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप बता दो, हम गिटार चेंज कर सकते हैं ताकि और भी खूबसूरती ला सकें। मिडिल वाली, चलिए जिसको वोट दें, ये है 1, ये है 2, ये 3, 1, 2, 3 जो भी वोट दें आप बता दें। एटलीस्ट 3 कॉमन होने चाहिए, 3 होने चाहिए कॉमन, सेकंड एंड थर्ड। चले जी हम सेकंड की तरफ जा रहे हैं, वैसे थर्ड को भी वोट आने चाहिए, थर्ड ज्यादा सोबर है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ चलते हैं, सेकंड, हाँ सेकंड पे ही चलते हैं फिर ठीक है। थर्ड वैसे रेस में आ रहा है, थर्ड मुझे पर्सनली अच्छी लगी और उनको भी किसी को भी अच्छी लग रही है, लेकिन सेकंड पे तरफ चलते हैं क्योंकि मेजोरिटी इज अथॉरिटी। चलिए जी, अब हमारे पास पैलेट आ गया, पैलेट में से मुझे कलर किस तरह पिक करने हैं कोई बता दो। ये आप मुझे बता दो, तब तक मैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में करके कहाँ गया भाई, कलर पिकर से, वेरी गुड भाई, इसको मैं कोई कर देता हूँ, हाँ इसको 90 कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। चलें जी, पैराग्राफ लेफ्ट आई ड्रॉपर से, चलें जी जबरदस्त। एक सेकंड, मैं यहाँ पे
कॉपी कर लो एक दफा टेक्स्ट। चलें जी यहां पे आते हैं और कंट्रोल बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ टेक्स्ट इसमें से, यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। अच्छा वैसे क्या कहते हो, गिटार हमें चेंज करना चाहिए? ठीक है, गिटार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ले तो लिए यहाँ से। वैसे जो ऊपर जिनको नहीं पता वो देख लें ऊपर, ठीक है। ऊपर आप स्वाचेस में देखें ये ऐड होते जा रहे हैं कलर्स। अच्छा जी बताएं, ये गिटार भी चेंज कर दें ताकि हमारे पास और खूबसूरती बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ब्लैक। चले जी चेंज कर देते हैं, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, क्लासिक गिटार, क्लासिक गिटार। आप बना सकते हो वैसे, इलस्ट्रेटर में अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके जी ये मुझे कुछ लग रहा है कोई, वैसे ये ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे उनको कहीं पे मॉडल किया हो, ओरिजिनल पीस तो मुझे नहीं लग रही, ये ओरिजिनल लग रहा है फिर भी, लेकिन ये पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है इसका, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कोई सिंपल सीधा स्ट्रेट ये, ठीक है, हमें ये वाली पोस्ट मिल गई, आई होप कि ये कॉपी हो जाए। चलें जी ये है ही पीएनजी, तो मैं डायरेक्टली यहां से सेव एज करके इसको, लग तो पीएनजी रही है लेकिन जेपेग में सेव हुई है, लेट्स सी देखें क्या है इसमें, डाउनलोड्स और ये। ओहो मैं इसका साइज चेक कर रहा हूँ, ओहो बहुत ही कम साइज है भाई, 139x139 को मैंने क्या करना है, गूगल को कहा तो है कि भाई मुझे बड़े बड़े से दिखाओ जिनका। चले जी ये ले लेते हैं यामा, इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी है। कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कौन सी थी ये टैब, ये रही, ओहो यहाँ पे आए और मैंने इसको हटाया और पेस्ट, ये काफी बेहतर लग रहा है, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड क्विकली, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अब हमारे पास गिटार भी आ गया, हमारे पास कुछ इस तरह सी चीजें भी आ गई, आखिर में जाके हम इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करेंगे जिससे इसका लुक फील और बेहतर हो। लेकिन सबसे पहले अभी जरूरी हमारे पास चीज ये है कि हम इसका एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक बनाएं, ठीक है। और दूसरी बात, इन्फोग्राफिक्स की फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फोग्राफिक बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे आ रहा हूँ, ये लाइन ले रहा हूँ जहां से आप सर्किल्स ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लाइन है, आप लाइन लें आपकी मर्जी है, रेक्टेंगल लें आपकी मर्जी है, वट एवर जो भी आपको सूटेबल लगे। लाइक मैं अभी यहाँ से राउंडेड ये ले रहा हूँ, ठीक है, लाइक इसको यहाँ से यहाँ तक कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही ऑलमोस्ट इसका फिल मैं ऑन कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये आपको ये भी लाइन की तरह ही लगेगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी आपको इसी तरीके से लगेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे इसका मैं फिल ऑन कर देता हूँ, तो ये भी उसी तरह का आपके पास आएगा। देन मेरे पास लाइन है, लाइन आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे लाइन आ गई, लाइन का स्ट्रोक थोड़ा सा आपने बढ़ाना होगा। लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि दूसरी सिलेक्शंस मेरे पास ना हो।
और मैंने फिलहाल इसको सिलेक्ट किया। देन ऊपर आपने देखना है मिसाल के तौर पे यहाँ पे आए और मैंने स्ट्रोक देख लिया, ठीक है। अब स्ट्रोक में भी मुझे कुछ इस तरह की वेरिएशंस मिलती हैं, किस टाइप का आप देना चाहते हो, कैप्स ऑन हो, आगे की तरफ किस तरह मुड़ा हुआ हो, कॉर्नर्स हो तो किस तरह की हो, ठीक है, लाइक अलाइनमेंट हो तो कैसी हो, ठीक है, इनर आउटर, ये उसी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको कोई मिसाल के तौर पे 10 पिक्सल 11 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखें किस तरह से ड्रॉ होती है, ठीक है। लेकिन इसको साइज जो है इसका बड़ा करना पड़ेगा, साइज कम होना मसला है, ठीक है। एक और नई शेप बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका साइज जो है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। ओके, मैं दोबारा वी प्रेस कर रहा हूँ, इन सभी शेप्स को दोबारा लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे आके यहाँ तक, दोबारा मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, एक और लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्यों अटका, अच्छा एक्चुअली ये है यहाँ पे ये मसला, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने शेप ही रखना है, यहाँ पे आपने पाथ सिलेक्ट करना है, पाथ सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको हम कोई कितना करें 25 पिक्सल कर दें, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ड्रॉ करके देख लेते हैं लाइक वंस। यहाँ पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेट्स से दोबारा देखते हैं, मैं दोबारा लाइन की तरफ आ रहा हूँ ताकि ये मसला एक दफा हमारा हल हो जाए। 25 है और विड्थ हाइट कितनी है, मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, इसको भी मैं कर रहा हूँ कोई 50, तो इधर कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, कितनी है ये विड्थ, 809 को हटा के मैं लाइक यहाँ पे कर देता हूँ 1000 या 1200, हाइट को रहने देते हैं, हाइट तभी होगी। अच्छा जी एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाइक मैंने लाइन ली है और मेरे पास जो ऑलरेडी है मे बी मैं इसको कर रहा हूँ 1500, ठीक है। आप देखोगे इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है और मैं इसके 8 पिक्सल को अगर मैं 10 पिक्सल 15 पिक्सल कर रहा हूँ तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी ये इस तरह से। अब मसला ये है कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है ये वाली लेयर, ठीक है, मे बी मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और नई लेयर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। और अब जाके हम इसकी लाइक मैं यहाँ पे इसकी जस्टिफाई करना चाहता हूँ इसकी हाइट में भी, पहले तो इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ डैशेस में आ जाए, डैशेस के बाद मैं इसको कर रहा हूँ 700 बाय कोई इसकी हाइट कर देता हूँ मैं कोई 10 पिक्सल, और 10 बहुत ज्यादा हो जाएगी, 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फुल स्क्रीन का आपको ऑप्शन पता है F फॉर फुल स्क्रीन, ये आपके ठीक लग रहा है। एक सेकंड में कॉल आ रही है, तब तक मुझे बताएं इनमें से कौन सी लाइन बेहतर है। चलें जी हम दोबारा फर्स्ट वाली डैश वाली थर्ड वन, ओके आप बता दें कौन सी यूज कर लें, फिर वही हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे चल रहा हूँ, प्रेस एफ, दोबारा उसी स्क्रीन की तरफ हम जाएं,
अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे कभी आपके पास स्क्रीन इस तरह की हो जाएगी। चलें जी फर्स्ट फर्स्ट वाली हम यूज करते हैं क्योंकि उसको वोट ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा ये आप देख रहे हो अभी इंटरफेस किस तरह का हो गया है। लाइक मेरे पास यूजुअली जो एक सेकेंड में यहाँ पे आ रहा हूँ, ये इंटरफेस मेरा देखो किस तरह का हो गया है। अच्छा जी डैशेस वाली कहें तो डैशेस वाली कर देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी अब देखो एक बात देखो, कभी कभार आपका जो इंटरफेस है ना देख लेना इस तरह का हो जाता है। ये देखो सारी टूल बार गुम हो गई, सब कुछ अजीब सा हो गया है, ऊपर सिर्फ आपको टैब्स नजर आएंगी, रिबिन चिबिन सब गुम हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो टैब का बटन है ना इंटरफेस पे आके सिर्फ टैब को प्रेस करना है, तो आपके पास सारे जो पैनल्स हैं दोबारा आ जाएंगे। ठीक है देख रहे हो, जब फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर भी आप जब काम करोगे तो आप किस तरह करोगे, F को प्रेस करके इस तरह। अभी हम लास्ट में जैसे ही आएंगे हम F को एक दफा प्रेस करके देख लेंगे कि हमारा आर्टवर्क किस तरह का दिख रहा है। अदर देन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी पैनल आपका इस तरह से डिसअपियर हो जाए, गुम हो जाए, तो आपने सिर्फ टैब प्रेस करना, तो आपके पास ये सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी। ठीक है जी दोबारा चलते हैं हम अपने इन्फोग्राफिक की तरफ। ओके क्लियर क्लियर। चलें जी डैश लाइन सी यूज करते हैं और यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये डैश है, ये यहाँ पे है, ठीक हो गया। ओके जी मेरे पास ये है अब, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे इसकी कॉपीज भेजनी है। लाइक मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल में यहाँ पे ऊपर जाके मैंने इसको 6 पिक्सल कर देना ताकि इसकी थोड़ी सी और कम हो जाए। यहाँ पे आके मैं इसके कैप्स को राउंडेड कर देता हूँ ताकि गोल मटोल हो जाए। अदर देन यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आपके आपने इसके जो डैशेस हैं उनकी स्पेसिंग जो है इन पिक्सल्स आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है कस्टम्स भी हैं, कस्टम भी बना सकते हो, वट एवर जैसा चाहोगे हो सकता है। ठीक है लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं इसको 5 2 का गैप हो 2 पिक्सल का, लाइक मैं इसको कर देता हूँ कोई 3 का, जहाँ पे फिर एंड सो ऑन ये खुद ही रिपीट करेगा। यहाँ पे आपने देखना है चेंज आ चुका है। ठीक है ये जब आप ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास ये भी चीज आ रही है, ये भी चीज आ रही है, और इतना बड़ा सा गिटार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना टेक्स्ट मेरे पास किस तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे पास हेड नेक आ रहा है, हेड नेक मेरे पास कौन सा है भाई, एक सेकेंड में यहाँ पे इसको लॉक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ गया, ये चीज ये है मेरे पास हेड नेक। ठीक है अगर आप कहें तो, अगर आप इसको बेहतर समझे तो आप इसको इसके साथ मिला दें लाइक यू, बिल्कुल। अगर आप नहीं भी करते तो भी ये चलेगा। ठीक है अदर देन थोड़ा सा जूम करके अगर आपने इसकी हाइट कम करनी है, सॉरी विड्थ कम करनी है, तो आप शिफ्ट के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है हम यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे मसला ये हो गया कि इसके डैशेस खत्म हो गए अगर हम इसको यूं कर रहे हैं, तो दोबारा लाइन की तरफ आ रहे हैं और मैं अगर इसकी हाई विड्थ कम कर रहा हूँ 700 से मैं इसको कोई 400 कर रहा हूँ, तो देखें कहाँ तक पहुंचती है। ठीक है अब इसका मसला पता है क्या, दोबारा दोबारा वही है डैशेस, डैशेस किस तरह हम करते हैं, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे और मैं आ जाता हूँ मोर ऑप्शंस में, मोर ऑप्शंस में मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज को हम बेहतर कर सकें। लाइक मेरे पास यहाँ पे 5 है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई 2 कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं 10, और क्योंकि 10 अगर मैं, अच्छा ये क्या है कि सेगमेंट बने हुए, पहले सेगमेंट में आप कितना देना चाहते हो, सेकंड सेगमेंट में आप कितना देना चाहते हो, थर्ड में कितना, लाइक यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 तो कम है वैसे, 5 5, यहाँ पे 2 एंड सो ऑन। ठीक है नहीं आया मजा, यहाँ पे मेरे पास इतना सा बन रहा है, दोबारा कर रहे हैं इसको अगेन, मोर ऑप्शंस में आए, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 10,
10 पे भी काम नहीं चल रहा, मैं इसको 15 कर रहा हूँ, 15 पे गैप इसको कर देते हैं 2, उल्टा हो रहा है ये 5, 12 इसको कर देते हैं सेंटर राउंडेड राउंड इनसाइड साइड में कैसा लगेगा, नहीं साइड ही ठीक है। लाइक मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ, एक एक पिक्सल का गैप एक का। अच्छा जी गैप यहाँ पे मुझे कोई 5 कर रहा हूँ तो ठीक है जी, ये डैशेस डैशेस का ये है और उतना ही मेरे पास यहाँ पे गैप आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ लाइंस इस तरह की आ गई, लेकिन अजीब सी लग रही है। यही रख लें या फिर दोबारा चेंज करूं उसको बता दो। ये वैसे ठीक लग रही है मुझे। आप इसमें ना म्यूजिक नोट्स भी डाल सकते हो, वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लो। ठीक है फिलहाल ऐसा करते हैं कि हम फिलहाल इसको शुरुआत करते हैं, देन अगर समझ में नहीं आई बात तो हम इसको इन द एंड एक साथ ही चेंज कर लेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे आ रहा हूँ, इन फॉन्ट्स को हमेशा। अच्छा जी एक और चीज है ओके, यहाँ पे एक चीज, जब भी आप अपना आर्ट पर बनाओ ना तो सबसे पहले विजिबिलिटी देखा करो। विजिबिलिटी भाई मुझे कैसे पता चलेगी, एक तो मेरे पास यहाँ पे आ रही होती है विजिबिलिटी क्योंकि आपका जूम कितना है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ से यूं नीचे आ जाओ, लाइन को आपने देखना है, ठीक है। ये रही मेरे पास विजिबिलिटी, ठीक है। अब ये विजिबिलिटी है मेरे पास 67% पे, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आ जाओ कोई 100% पे, मैं सिलेक्ट ऑल 100% पे जो मेरा आर्ट वर्क है जिस तरह विजिबल होगा 2000x2000, इसका साइज क्या है कंट्रोल अल्टर आई 2000x2000 पे, तो ये कैसा देखेगा, वो कुछ इस तरह का देखेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा अगर इसको कम करना चाहूं 66.7 पे 50% पे मेरा यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल में नीट एंड क्लीन है, बहुत ज्यादा विजिबल है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इसी को टेक्स्ट को और कम कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 66 को हटा के मैं यहाँ पे 48 करता हूँ, ठीक है विजिबल है, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीजें मिक्स ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर रहा हूँ, अगेन मैं इसको कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बात। मे भी मैं इस लाइन को का कलर ना थोड़ा सा यूज करता हूँ करके देखें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा टेक्स्ट क्या था भाई, दूसरा टेक्स्ट मेरे पास ये है। एक तो ये यहाँ पे मुसीबत ये है कि सर नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी का ऑप्शन ब्लॉक नहीं, वहां पे तो कोई ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक है क्या पता नहीं, लेकिन नीचे जो है ना नीचे आप देख लेना, ठीक है। नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल नीचे जहाँ पे आपके पूरे उसका साइज आ रहा होगा भाई, आपका साइज क्या है पूरे इसका आर्टबोर्ड का, और वहां पे आपने जूम कितना किया होगा वहां पे आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा, ठीक है। चले जी यहाँ पे एक और है मेरे पास ट्यूनिंग पैग। ट्यूनिंग पैग ये होते हैं आपके ये जो घुमाने वाले, हम उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी की एक कॉपी लेके कंट्रोल जे, ऐसा भी नहीं करते, ऐसा करते हैं काम को आसान करते हैं, ठीक है। लेट से कंट्रोल जी ठीक है, कंट्रोल वी मैंने इसको साइड पे रखा, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जे और इसको मैं नीचे लेकर आया, मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। मे बी मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, यहाँ पे ले जाते हैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे, ताकि हमारे पास थोड़ा सा क्लीन रहे। मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, ये मेरे साथ मसला हो रहा है स्ट्रोक में, ठीक है, गैप्स वैप्स का। ये देखें जब भी मैं इसको यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो गैप्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि स्पेसिफाइड है। तो इसके लिए लेट से मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसको कोशिश करता हूँ रास्टर पे ले आऊं, रास्टर पे करने के बाद देखें क्या आता है। अब ये और कुछ नहीं हो रहा, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है लाइंस, ये आप देखेंगे, ठीक है।
ये लाइंस आपकी बकायदा तौर पे स्ट्रेच हो रही है, नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन शेप में स्ट्रेचिंग नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये शेप है, दोबारा देख लें, ये शेप है, शेप के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ रास्टराइज। ओके जी, इसका मुझे फिलहाल यही हल नजर आ रहा है कि मैं इसको रास्टर कर दूं और उनके अंदर गैप नहीं रखते, इतना सा कर लेते हैं, मैक्स ज्यादा नहीं करते, या इसको कम कर देते हैं। अगर हमने एक एक को करना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे उसके बाद भाई कौन सा था ये नाम, ये था टर्निंग ट्यूनिंग पैग्स, कट किया, इंटर, यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। ये पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग है, किसी को अंदाजा है ये क्या चीज है? और जी उसके बाद ये क्या आ रहा है मेरे पास, नट, ये मेरे पास नट आ गए, नट। और नट को मैं किस तरह से करूंगा, मैं भी यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके, क्योंकि रास्टर लेयर है, यहाँ पे गई भाई ये, और मैं यहाँ पे इसका एक पोर्शन जो है मैं खत्म कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये साइज का मसला ही खत्म हो जाए। यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे ये नट्स लगा दी, नट कुछ इस तरह से, एक्स इसी वर्ड छोटा है। अच्छा ये क्या होता है, देखो अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये बड़े काम की चीज है। वैसे जब आप ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो, स्पेशली जब आपको किसी और का टेक्स्ट मिलता है, तो बंदा थोड़ा सा कहता है कि भाई मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास फ्रीडम होना चाहिए, जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है मैं उसी चीज को कैरी ऑन कर सकूं, ठीक है। तो मेरे पास ये अभी फिलहाल ये फ्रेट्स आ गई, ठीक है, मैंने फ्रेट्स को उस तरह कर दिया, ओके, और यहाँ पे कंट्रोल चला जा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे डेट लग रही है, फ्रेट बोर्ड, ये मेरे पास पूरा फ्रेट बोर्ड है, लेफ्ट पे आ गए थोड़ा सा अल्टर के साथ, यहाँ पे ये मेरा पूरा कंप्लीटली फ्रेट बोर्ड है, इसको हम कहते हैं, और फिंगर बोर्ड, इसको हम मार्क भी कर सकते हैं, मार्क किस तरह कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं भाई, ये मार्क किस तरह होगा और इसको आपस में हम किस तरह मिला सकते हैं। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ क्योंकि लंबा सा वर्ड है, इसी को यहाँ पे लेकर कंट्रोल जे, इसी को मैं रोटेट कर रहा हूँ यूं, और इसको मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप किसी को हो तो अंदाजा हो जाए, और इसी को ही मैं यहाँ पे आके, अगर देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इनको ना रास्टर ले रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, एक ऑल्टर के साथ एक और कॉपी लेकर आया, ठीक है, फ्रेट बोर्ड मेरा यहाँ तक जा रहा है, इसको लेके दोनों को मैंने कर दिया मर्ज, और उसके बाद ई के साथ मैंने यहाँ तक कर दिया रब, ठीक है, और मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ गया। अब मैं इसको चाहूं तो कॉर्नर्स भी मैं इनके ठीक कर सकता हूँ, लाइक मैंने कल आपको बताया था, कॉर्नर्स इनके कंट्रोल के साथ सेट कर सकते हो, ठीक है, ये आप भी कर सकते हो, ये टेक्निक्स जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है जी, यहाँ तक आ गए। उसके बाद भाई फ्रेट बोर्ड मार्कर ये है मेरे, ओहो कंट्रोल वी, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, डिलीट, ओके जी यहाँ पे आए, एक और क्लिक कर रहा हूँ इन दोनों को, कंट्रोल जे दोबारा, अच्छा ये, अच्छा जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ ताकि गैप रहे, ठीक है, यहाँ पे आए कंट्रोल जे, जे करने के बाद ये मेरे पास है मार्कर्स, मार्कर्स भाई कौन से हैं, ये वाले जो व्हाइट ये आपको दिख रहे हैं सिल्वर कलर की, फ्रेट बोर्ड मार्कर्स, हो जा भाई जल्दी से, ओके। अच्छा एक चीज है यहाँ पे कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कोडिंग के, जब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करते हो तो अच्छा जी इसमें पिक गार्ड है ही नहीं, यहाँ पे गार्ड लगा होता था ना, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, ये पिक गार्ड इसके अंदर है ही नहीं, तो हम इसको कुछ भी नहीं करते, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइक हमने कोई गलत तस्वीर ले ली,
मैं दोबारा इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको डिलीट करके नीचे बॉडी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, सेलेक्ट हो जाओ भाई। जब लार्ज टेक्स्ट आता है तो थोड़ा सा ना ये तंग करता है, कंट्रोल जे, और मैं इसको लेकर आया यहाँ पे, ये मेरी बॉडी हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ यहां तक रखा इसको, और मैं इसको दोबारा यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि फिर नीचे दूसरा भी टेक्स्ट देना है, और ये होगी मेरी बॉडी, ठीक है, इसको कुछ यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। देन मेरे पास ब्रिज है, ब्रिज इसको कहते हैं, मैं दोबारा यहाँ पे आया और अल्टर कंट्रोल के साथ मैं इसको लेकर आया हूँ। अब ये बिल्कुल अंदर है, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा कि हम इसको यहाँ तक ही दिखा दें कि ये हमारी ब्रिज है, ठीक है। ओके जी, ये हमारी ब्रिज बन गई, हो जा भाई, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे, और उसके बाद ये आ गया आपका साउंड बोर्ड। मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से लेकर जा रहे हैं, वैसे बोर्ड तो बहुत हो रहे होंगे ये देखकर, पता नहीं क्या सर लेकर आया, इतना बोरिंग के देख के नींद आ रही है, वैसे कुछ और भी देख कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल ये देख लो, एक दफा बन जाए तो खुद ही अच्छा लगेगा। कंट्रोल बी, टेक्स्ट के ऊपर मुझे भी बोरियत होती है, एक टेक्स्ट और दूसरा बैकग्राउंड रिमूविंग या इस तरह के काम मुझे अच्छे नहीं लगते। ये साउंड होल है, बोर्ड नहीं है, हम सिर्फ साउंड होल को दिखा देते हैं, ठीक है, चला जा। आ गया, ये रहा, कंट्रोल एक्स, साउंड होल, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बचा मेरे पास, सैडल बची है, सैडल ये है मेरे पास, ये इसको कहते हैं सैडल। एक्चुअली अभी हम देखें तो मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव के हवाले से ये इमेज भी ठीक नहीं है। इमेज ठीक क्यों नहीं है, देखो जब भी यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स वाले बैठे होंगे उनको ज्यादा इस चीज का इल्म होगा कि अगर मैं इसको स्क्वायर में लेकर आता हूँ, ठीक है, स्क्वायर में, लाइक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि इमेज आपके पास सीडी नहीं है तो आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं, इसको हम बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर, अब ये लाइन आ गई ना, ठीक है, अब देखना आपके फ्रेम के अंदर आपको कितना अंदाजा होगा कि ये आपकी इमेज ठीक भी है कि नहीं है। तो भाई चला जाए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, ठीक है, और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे के साथ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी इमेज कितनी ठीक है, इस तरह से प्लस के साथ, ठीक है। अब आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि आपकी जो इमेज है वो सेंटर पॉइंट पे नहीं आ रही है, हालांकि सेंटर पॉइंट मेरा ये होना चाहिए था, ये वाला, इसकी वजह से आपकी इमेज ठीक नहीं है, लेकिन हम इस इमेज को भी ठीक फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। चले जी, मेरे ख्याल में इतना काफी है, और क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, सबसे पहले मैं इसको सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं टाइटल लेकर आता हूँ सेंटर में, बैकग्राउंड के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं लेकर आया इसको सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर। अब मेरे पास कलर्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक मैं यहाँ पे कलर लेकर आता हूँ, एक न्यू लेयर बनाई, न्यू लेयर के साथ मैं इसको थोड़ा सा यू करता हूँ, तो मेरे ख्याल में जो चीज ना पसंद आने वाली होगी वो भी अच्छी लगेगी। रिकवरी ऑफ कॉफी कैफे, इसको क्या करूँ भाई बता दो, ठीक है। अब उसके साथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ पे म्यूजिक नोट्स, MUSIC म्यूजिक नोट्स। ओके जी, मेरे पास कुछ म्यूजिक नोट्स आ गए, कुछ इस तरह के, और कुछ ये अच्छा लग रहा है, और मैं इसको भी कुछ कॉपी करना चाहूंगा, जल्दी हो जाओ भाई, हो जाओ, अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाए शायद,
चलो भाई और कुछ देख लेते हैं। जी हो जाओ भाई, ठीक है हम बना लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है मैं इसको लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ नहीं करते मेरे ख्याल में, अगर बैकग्राउंड रिमूव से काम चल जाता है तो ठीक है, वरना कलर सेलेक्ट के साथ भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे छोटा सा आ रहा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आए, ब्रश का साइड लेफ्ट ब्रैकेट के साथ थोड़ा सा छोटा किया, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है, फिर भी डिलीट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ओहो यहाँ पे क्या मसला हो रहा है। अच्छा जी मैंने इसको कर दिया फिल, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इधर से भी ब्रश पेंट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास साफ हो। ओहो ठीक है ऑलमोस्ट गुड। अब क्या कर रहे हैं कि लाइक मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई अप्लाई करने के बाद कंट्रोल कंट्रोल के बाद मैं इसको मल्टीपल कलर्स दे सकता हूँ। लाइक मैं इसको येलो कर दूँ, मैं इसको व्हाइट कर दूँ, या मैं इसको कोई और कलर दे दूँ, अप टू यू। ठीक है लाइक येलो दे देते हैं मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। बहुत बड़ा हो गया, इसको ऊपर नीचे ले जाता हूँ कहीं पे भी, इसकी ओपेक थोड़ी सी कम कर। ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। और कुछ टेक्सचर ले लेते हैं। ओके टेक्सचर क्या कहते हैं, एक कौन सा म्यूजिक टेक्सचर कौन सा होता है भाई मुझे भी नहीं पता। इमेजेस ये देखो कमाल है, ये भी कमाल है, खुल जाओ भाई या इंटरनेट स्लो है मेरे पास। अच्छा भाई जल्दी से, ये ठीक है ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, मैंने इसको यहां पे रखा, देन रोटेट इसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है पियानो बार्स आ रही है मेरे पास। ओके 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 यहाँ तक ठीक है, यहाँ नीचे 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 और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेक ओपेक कम कर दी, लाइक मैंने यहाँ पे रख दी 10%। अब देखें कैसा लग रहा है, लाइक मैं अभी ब्लेंडिंग इसको यूज करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर रहा हूँ और ऑपेसिटी इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ, और ये कुछ इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास ये जो गिटार है, मैं गिटार को दे रहा हूँ स्ट्रोक। स्ट्रोक किस तरह दिया जाता है ताकि ये थोड़ा विजिबल रहे। ठीक है मैं हल्का सा इसको यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, मैं वैसे भी दे सकता हूँ ठीक है, लेकिन मैं ओ अच्छा भाई ये रहा एक्स, और इसको मैं लेकर आया नीचे ठीक है, ताकि मेरी जो विजिबिलिटी है वो और बेहतर है। वैसे यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा था। ठीक है अब उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे टाइटल के ऊपर। टाइटल को भी आप कुछ इस तरह से बड़ा कर दो ताकि आपको नजर आए, कुछ समझ में आए चीज। वैसे एक्चुअली मैं कुछ और चाह रहा था लेकिन वैसा पर नहीं था, अदर देन ये कुछ इस तरह से। अब ये अगर हमसे कोई पूछे कि ये किस किस कैटेगरी का आर्ट है, तो आप क्या कहोगे कौन सी कैटेगरी का आर्ट है। जी मैं असाइनमेंट देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। वेरी गुड भाई वेरी गुड, शो कर देते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो ये किस कैटेगरी का आर्ट वर्क है या कौन सा ग्राफिक है, तो आप क्या कहोगे। इन्फोग्राफिक ठीक है,
अब इस इन्फोग्राफिक को बग डिपेंड करता है कि आप इसमें से चीजों को और कितना ऐड कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। वैसे अगर फाइनल टचेस देखें तो अगर फाइनली अगर मुझे दिखाना चाहूँ तो मैं अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहूँ तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि भाई मैंने ये बनाया है, ठीक है, और उससे ये होता है कि आपका आर्टवर्क अच्छा लग रहा होता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई वॉल देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आया, मैं लिखता हूँ न्यू यॉर्क यॉर्क सिटी वॉल्स। लाइक एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, ये रही दीवार। इस दीवार के ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं अपना वॉल, ये जो आर्ट है, या शो करूं, या ये कैसा लगेगा ये। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए, एक सेकेंड, लार्ज। एक्चुअली मैं आपको दिखाना ये भी चाह रहा था, ये हमारे पास ये क्या है, गुची, ठीक है जी, गुची के अंदर हम शो करते हैं, ठीक है जी। आ जाओ भाई, न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। न्यू न्यू के अंदर मैं एंटर करता हूँ, जो भी साइज आएगा वही साइज लेकर आएगा, ठीक है। ये आर्टबोर्ड पे ही है, बस वही नॉर्मल जो स्टैंडर्ड आपके पास आती है। मैं इसको नीचे पहले, सबसे पहले बैकग्राउंड में इसको कर रहा हूँ ब्लॉक, ठीक है। उसके अलावा अब क्या कर रहे हैं, मेरे पास कहाँ गए भाई कॉपी, ये रही। मैं कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई, मतलब सब जो भी बनाया है उसकी एक जेपेग बना लो, एक कॉपी बना लो। वो इंटर करने के बाद मैं वो कॉपी लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2000x2000 इसकी साइज है। अब क्या करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे आया और इसी आर्ट को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले ये रहा, अब मुझे, मेरे पास एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगा कि सबसे पहले इसकी ऑपेसिटी कम की, ये रही, मैंने ऑपेसिटी कम की ताकि मुझे इसकी एडजस्ट पता चले कहाँ कहाँ पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल कंट्रोल के साथ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये एडजस्ट किया, देन मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि लाइट्स को किस तरह हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इस तरह किया, और मेरे ख्याल में ये काफी है, ये इनफ इनफ, ये इतना ठीक है, ठीक है। और मैंने कर दिया इंटर, सॉरी, इंटर इंटर करने के बाद मैंने इसकी ऑपेसिटी कर दी 100%। अब भी ये कुछ जो है रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ठीक है। लाइक मैं अगर इसकी थोड़ा लेवल्स के ऊपर काम करूं तो मेरा ये बखूबी ठीक लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। लाइक मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया सॉफ्ट, ठीक है जी। अब दोबारा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे एक और चीज जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, दोबारा मैंने ऑपेसिटी यहाँ पे की, हटाई, और यहाँ पे मैंने वो ही करना शुरू कर दिया जो करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसी इमेज को कर दिया मास्क। मास्क करने के बाद सिंपली मैं यहां से पेंट करता हुआ जाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, आप ही बता दो, जल्दी करने के लिए, जल्दी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी करने के लिए बता दो क्या करना चाहिए भाई। मैं यहाँ पे आया, सिलेक्शन टूल, ठीक है जी, मैं सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इसको देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। ये भी वैसे इतना खास तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक और आर्ट है। मे भी यहाँ पे सिंपल होती तो और बेहतर लगता, फिर भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने इसकी ऑपेसिटी कम की दोबारा, और या ऐसा करो, आप में से कोई भी वो जो डिस्प्ले एड्स लगे होते हैं दीवारों पे, या आप लिखो साइनेजेस इन साइनेजेस, ठीक है, साइनेजेस इन न्यूयॉर्क सिटी, कहीं पे भी लिख दो, आ जाएंगे खुद ही। ये नहीं हो रहा इससे, ठीक है। अब ये दूसरे कलर्स भी ले रहा है, मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। लाइक लासो, पॉलीगॉन लासो, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी, और क्या करूं बता दो।
मैं क्विक क्लास से देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, एक सेकेंड। क्विक क्लासों से ये सिलेक्ट किया, ये पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक ये सिलेक्ट किया, दोबारा मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ, एक और खिड़की देखते हैं, और अल्टर के साथ शिफ्ट के साथ एक और सिलेक्शन ले लेते हैं हम। ये सिलेक्शन ली हमने और कुछ, ठीक है। वैसे हम ये थोड़े बहुत ना क्लीन हम कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। ये यहाँ तक शिफ्ट के साथ सर बैकग्राउंड कलर डार्क, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं फिलहाल। ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और कौन सी खिड़की रह गई भाई, और कौन सी खिड़की रह गई, ये चार ही थी। अच्छा वो ऊपर भी है, वैसे गलत इमेज ले ली मैंने, इमेज कुछ और ही ले ली थी। ये कहीं पे कोई चलते फिरते साइनेजेस देख लो भाई, कोई हो तो बता दो, उस पर क्विकली हम अप्लाई कर सकते हैं ये फिलहाल। ओके, हमारे म्यूजिक ना गले पड़ गया फिलहाल, लंबा चौड़ा काम हो गया। ये यहाँ पे आए और इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये भी प्लस हो गया शिफ्ट के साथ। अच्छा ये भी लास्ट ही टूल है, लेकिन ये मैनुअल है, समझे, ये पेंसिल की तरह मैं ड्रॉ करता हुआ जा रहा हूँ। अब इसमें कोई कमी पेशी होगी ना तो मैं क्या करूंगा, इसको मास्क के थ्रू आसानी से, ब्रश के थ्रू मैं इसको आसानी से ठीक कर सकता हूँ, ठीक है जी। शिफ्ट के साथ मेरे पास देखो कितनी सिलेक्शंस हैं, ठीक है, और इन्हीं के अंदर मैं ब्रश के साथ भी, बिफोर ब्रश, ब्रश को मैं बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मास्क सिलेक्टेड है, और यहाँ पे मैं इनको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। या कंट्रोल बैक स्पेस से भी आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, सिलेक्शन अभी भी ऑन है, और कुछ इस तरह से मेरे पास ये चीज आ रही है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल में आके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में पता है क्या मसला हो रहा है, ये बड़ा अच्छा दिखता, ये बहुत अच्छा दिखता, लेकिन हमारे पास एक चीज है कि इस इमेज जो पीछे बैकग्राउंड में है उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये देखो मेरे पास ये कितने अच्छे तरीके से आ रहा है, ये देखो अगर हमारे पास वो पीछे वॉल पे आर्ट ना बना होता तो ये बड़ा अच्छा लग रहा होता। ये देखें ईंटे सारी विजिबल कर रहा है, ये देखो, ठीक है, लेकिन हमारे पास पीछे ऑलरेडी एक आर्ट है तो ये थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है, अदर देन कोई और मसला नहीं है, वरना अगर यहां तक देखो तो ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी हल है, इसके लिए भी हल है। इसका हल पता क्या है, इसका हल है कि इसी इमेज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। लाइक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आए, मैंने लॉक हटाया, ठीक है, और मिसाल के तौर पे यहाँ तक आए, ठीक है, अल्टर के साथ मैं टारगेट सेलेक्ट किया और मैं पेस्ट करता हुआ जा रहा हूँ, एक जैसी वॉल करनी पड़ेगी मुझे। ये किस तरह कर रहा हूँ मैं, ये होता है स्टेम टूल, एस फॉर स्टेम टूल, इसके बारे में कल इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे, और फिलहाल ये देखो मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मे बी आप कहो तो ये कंटिन्यू करें क्लास, क्योंकि आज मेरा था कि इस आर्ट को और बेहतर कर सके। ये देख रहे हो इसी इमेज को मैं बड़े अच्छे तरीके से आराम से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखो। हाँ मेरे ख्याल में भी आज के लिए काफी है, और ये टूटे हुए दांत, ये दोबारा हम इसको रिज्यूम करेंगे, और बस ये देख लो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, और ओहो बच्चा भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना था, कल इसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश ये ही रहेगी कि हम इस आर्ट को इस तरह फिक्स करें कि हमें ये थोड़ा सा ओरिजिनल लगे, थोड़ा सा नहीं, नियर बाय ओरिजिनल लगे। और फिलहाल ये कि मर्ज हो रहा है नॉर्मल में, ठीक नहीं लग रहा, ये बैलेंस अभी भी हो सकता है, लेकिन खिड़कियों की वजह से, लाइटों की वजह से ठीक नहीं लग रहा अभी भी। तो मे बी कल इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में भी सीखेंगे, और तब तक के लिए मेरे ख्याल में काफी है, प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ इस तरह का बनाओ इन्फोग्राफिक, एटलीस्ट एक तो बना लो इन्फोग्राफिक,
और जिन्होंने आज सबमिट असाइनमेंट की थी ये उनका अपना फायदा है, जो नहीं कर रहे उनका अपना नुकसान है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा क्लास में मिलेंगे और इस चीज को हम फाइनल करेंगे। ठीक है, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।